हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि हमें गले में तुलसी की माला क्यों पहननी चाहिए। तो चलो आज इस पर बात करते हैं कि हम सब गले में तुलसी की माला क्यों पहनते हैं और जो नहीं पहनते उनको क्यों पहननी चाहिए। आज से बहुत सालों पहले जब हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, ये सब तब की बातें हैं। जो अभी वैज्ञानिक जो बताते हैं हमें कि तुलसी एक आयुर्वेदिक पौधा है जो दवाइयों से भी अच्छा काम करता है। और अगर तुलसी आप सुबह 5 पत्ते डेली खाते हो तो आपका स्वास्थ्य हमेशा निरोगी रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि तुलसी की कंठी क्यों पहनें। हम जब तुलसी की कंठी धारण करते हैं तो अगर हम जो भी खाना खाते हैं, फल या कुछ भी, तो उसमें जो बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाते हैं। और हमने कोरोना में भी देखा कि सबके घर तुलसी, फिर लौंग, अदरक, इन सब का उकाला बना के सब पीते थे। वो इसलिए कि तुलसी के हिसाब से ताव, खांसी, सर्दी सब नहीं होता। दूसरा तुलसी का कारण ये है कि ये जो तुलसी की कंठी है, ये 2 प्रभु के चरण हैं जो हमेशा हमारी छाती पर रहते हैं, हमारे हृदय को स्पर्श करते हैं। तो हमें अनुसंधान रहता है कि हम भक्त हैं, हम भगवान के भक्त हैं, हमेशा भगवान हमारे पास है। इस बात का अनुसंधान हमें हमेशा रहता है, इसलिए हमें हमारे गले में अगर तुलसी की माला होगी और हमारा कभी भी अंत समय आता है तो हमें विष्णु दूत ही ले जाते हैं, हमें कभी भी यम दूत नहीं ले जाते, क्योंकि हमारे गले में तुलसी की माला है। श्री प्रभु के भोग में भी तुलसी के बिना वो नहीं आरोपते, इसलिए तुलसी जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मैं समझाती हूँ कि तुलसी की कंठी और भगवान, जैसे एक माँ अपने गर्भ में बच्चे को रखती है तो माँ का संबंध एक दोरी जैसे नायडे से बच्चे के साथ होता है। जब माँ खाती है तो उसका पोषण बच्चे को मिलता है और उसकी वृद्धि होती है और वो धीरे धीरे बढ़िया होता है। उसको अपने खाने पीने की फिक्र नहीं रहती, क्योंकि ठाकुर जी ने, भगवान ने उसको जो नायडा दिया है उससे जो माँ खाती है उससे बच्चे का पोषण भी हो जाता है। वैसे ही हमारे गले में अगर भगवान की 2 चरण जो तुलसी जी की कंठी होती है तो भगवान को पता रहता है कि ये मेरा भक्त है, चाहे कितनी भी कसौटी क्यों ना हो, लेकिन भगवान कभी हमें छोड़ते नहीं, हर परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ रहते हैं। मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाती हूँ। जिस तरह से गांव में या शहरों में आवारा कुत्ते इधर उधर पटकते रहते हैं, उनको कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी या कोई भी कभी भी ले जा सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और जिस कुत्ते के गले में पट्टा डाला होता है उसे कोई हाथ भी नहीं लगाता और नुकसान भी नहीं पहुंचाता। क्यों? क्योंकि उसके गले में उसके मालिक का पट्टा है, इसलिए उसको कोई छूता भी नहीं। जब हम ये समझ जाएंगे कि हमारे गले में हमारे श्री प्रभु की तुलसी की माला है तो हमें कोई नहीं छू सकता। मैं आपको मेरा अनुभव बताती हूँ कि मैंने कंठी कब पहनी और कैसे। मैं आज से 2009 में लंदन गई थी। वहाँ मेरे पापा के दोस्त रहते हैं, उनके घर में रही थी। 1-2 दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर 3रे दिन मैंने सामने से बताया, कोई अगर यहाँ कोई नज़दीक में मंदिर हो तो मुझे ले जाओ। तब तक मैं ये नहीं जानती थी कि यहाँ कोई स्वामीनारायण का मंदिर भी होगा या कुछ भी नहीं पता था मुझे। स्वामीनारायण का नाम सुना था लेकिन कभी मंदिर नहीं गई थी मैं। फिर वो शाम को आरती के समय जाते थे और वो मुझे साथ ले गए।
वहाँ मैंने मंदिर देखा, आरती की, सब हरि भक्तों को मैं मिली, सबसे बातें की, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं उन लोगों के साथ रोज शाम को मंदिर जाने लगी और आरती अष्टक सब में बैठने लगी। फिर धीरे धीरे हम सभा के लिए आसपास के टाउन में जाने लगे। फिर सबसे बातें करते करते किसी किसी ने मुझे पूछा कि अमीषा तुम भी कंठी पहन लो, वो यहाँ आई हो तो कंठी पहन के जाओ। तो मैंने बोला नहीं, पहले मैं घर पे जाऊँगी और सबसे बात करूँगी, पूछ के फिर देखते हैं। और ऐसे करके मैं इंडिया आई। जब मैं इंडिया आई तब प्रमुख स्वामी महाराज यहाँ स्पेस मेकर उनको लगाना था, तब वो यहाँ अहमदाबाद मंदिर में आए हुए थे। वो मैंने एक अखबार में देखा, न्यूज़पेपर में। तब मुझे लगा कि मैं भी मंदिर जाऊँ और उनके दर्शन करूँ। फिर मैं मंदिर गई, उनके दर्शन किए, मंदिर गई और स्वामी बाबा के मैंने दर्शन किए। गुरु पूनम के थोड़े दिन पहले की ही ये बात है। फिर मैंने दूसरे दिन प्रमुख स्वामी महाराज को पत्र लिखा कि स्वामी बाबा, मैं ऐसे लंदन आई थी और आपका मंदिर भी देखा और सभा में बैठती थी, सब मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप मुझे कंठी बेचते हो तो मैं आपकी कंठी जरूर पहनूंगी। तब उन्होंने पत्र में एक तुलसी की दो माला भेजी थी जो मैंने आज तक पहन के रखी है। तब से आज तक मैं स्वामीनारायण भगवान की पूजा भी करती हूँ, मंदिर जाने का मौका मिले तो मंदिर भी जाती हूँ, सभा में जाती भी हूँ और घर पे सभा रखवाती भी हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है, एक सुकून लगता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने पत्र और ये तुलसी जी की कंठी दोनों भेजा था। पत्रों में उन्होंने लिखा था कि भजन कीर्तन करते रहे, कंठी पहन ली और तब से आज तक भजन कीर्तन भी करते हैं, पूजा भी करती हूँ, सभा में जाते भी हैं और कभी कभी घर पे सभा रखवाते भी हैं। इसलिए तुलसी की कंठी के बहुत सारे फायदे हैं। आपको हमेशा अनुसंधान रहता है कि आप अकेले नहीं, आपके भगवान और आपके गुरु हमेशा आपके साथ हैं। चाहे कितनी भी कसौटी क्यों न हुई हो मेरी तबीयत, चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो गई हो, हमेशा मेरे गुरु ब्रह्म स्वामी महाराज हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जय स्वामी नारायण।